स्वागत है दोस्तों आप लोगों का विटोर क्लासेस में। आज कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और लेके आए आप लोगों के लिए, जो कि आने वाले 2018 के सारे एग्जाम और इस साल अभी होने वाले CDS 2017 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये जो करंट अफेयर्स है, ये 2017 में हुए हुए हैं और कुछ 2016 में हैं, जो अभी किसी एग्ज़ाम में नहीं आ पाए हैं क्योंकि उसके पहले सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए कि कुछ नेशनल में है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ साइंस के है, कुछ इकोनॉमी के है, कुछ स्पोर्ट्स के हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, एक एक करके जानते हैं करंट अफेयर क्या क्या है। तो पहले है हमारे पास कि एक 5 दिन का कल्चरल फेस्टिवल हुआ था कायरो एम्बेसी ऑफ इंडिया में, कायरो में, और मौलाना आजाद सेंटर में। वो मार्क कर रहा था क्या 155वां बर्थ एनिवर्सरी, जो किसका था, रविन्द्रनाथ टैगोर का। अब इंडिया दूसरा है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस द मैत्री रिसर्च स्टेशन इन, सबसे पहले जानिए मैत्री रिसर्च सेंटर है जो कि है अंटार्कटिका में, सो उसे एक रिप्लेस करेगा नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स में अंटार्कटिका में दोस्तों इंडिया। उसके बाद है तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव लोगो फॉर व्हीकल्स ड्रिवन बाय पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ड्राइवर इज डील, प्लीज वॉच आउट। ठीक है, मतलब तेलंगाना एक लोगो निकालेगा व्हीकल्स के लिए, जिसको जिन आदमियों को सुनने की बीमारी है वो निकालेंगे, ड्राइवर इज डीफ, प्लीज वॉच आउट। ये डील नहीं है, DEAF है, ठीक है, तो राइटिंग मिस्टेक है थोड़ा। फिर उसके बाद दोस्तों, विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियल मैस्कॉट नेम्ड भूर सिंह द बारा सिंगा, और वो है कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व इंडिया में है वो ऑफिशियल ऑफिशियल मैस्कॉट नेम दिया गया था भूर सिंह द बारा सिंगा, वो कान्हा टाइगर रिजर्व के। उसके बाद है दोस्तों हमारा, विच हु हैज बीन कन्फर्ड द 52nd एडिशन ऑफ द जनपथ अवार्ड 2016, मतलब जनपथ अवार्ड किसको मिला 2016 का, और ये जो 2016 में हुआ था ये था 52वां एडिशन था इस अवार्ड का, और वो मिला है जस्टिस राजेंद्र मेनन को। फिर है हु हैज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट बाय प्रणब मुखर्जी, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, झारखंड के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनको प्रणब मुखर्जी ने चूज किया था, और वो थे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ये सारे दोस्तों नेशनल इवेंट्स के करंट अफेयर है। तो उसके बाद है, हु हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी कमीशन है उसका जो नेशनल चेयरमैन किसको, उसको बनाया गया है मनोहर वाजी भाई जाला को। ठीक है, ये मनहर है, मनहर वालजी, मनहर MANHAR, वाजी में VALJI, फिर भाई जाला में। ठीक है, उसके बाद है दिस इंडियन स्पेशल फोर्सेस यूनिट में पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2017 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्पेशल फोर्स था जो कि नेशनल रिपब्लिक डे के परेड में पहली बार शामिल हुई थी, और वो थी हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडो में ऑफिसर्स जो भी। फिर गुड गवर्नमेंट्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2016 इन द मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो गुड गवर्नमेंट डे गवर्नमेंट्स डे के लिए माना जाएगा हमारे पिछले प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर, जो कि 25 दिसंबर 2016 को। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों निडुम कैयम विच बिकेम्स इंडिया फर्स्ट कैशलेस एंड डिजिटल ट्राइबल कॉलोनी इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलोनी बना था जो एक कैशलेस और डिजिटल बन गया था, ये ट्राइबल में है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई है न्यूज़ में कि क्या परेशानी हुई लोगों को, क्या कैशलेस सही में है नहीं है, बट घोषित कर दिया गया था।
उसके बाद है द उड़ीसा मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर, जो उड़ीसा मेगा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है वो किसके बाद नाम किसके नाम पर बनाया गया, वो है फ्रीडम फाइटर पर्वती गिरी। ठीक है, तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ आउटकम इंडेक्स इज, जो इंडिया के हेल्थ आउटकम इंडेक्स होता है उसको कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी निकाला था, नीति आयोग ने। उसके पहले हमने पिछले बार में काफ़ी बात की है, तो प्लीज़ आप अगर नहीं देखा है तो पिछले में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको जानने के लिए। अब दोस्तों आएंगे इंटरनेशनल के ऊपर। ठीक है, तो पैरा इंटरनेशनल में विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिलीवरी ऑफ इंडिया साइंड विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया डिलीवरी ऑफ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी मेजर ऑरिकल इनहेंस इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कौन सी ऐसी स्टेट ऑफ इंडिया है जो कि एक यूएस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए साइन किया है एक मेमोरेंडम का। ठीक है, ये थोड़ा सा जो लाइनिंग सा मिस्टेक है मुझे लिख के दिया गया, थोड़े मिस्टेक्स इसमें हैं, तो इसमें यह है कि कौन से ऐसे हमारे स्टेट ने यूएस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑरिकल के साथ, ऑरिकल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ साइन किया है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, और वो झारखंड। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है दोस्तों कि अगर ऑरिकल के साथ टाई अप कर रहे हैं तो बहुत कुछ फ़ायदेमंद होगा झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए या कि वहाँ के वर्कर्स के लिए और बाकी एज ए कंट्री के लिए भी। फिर है दोस्तों, इंडिया हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन जो बनाएंगे उसके लिए इंडिया ने किसके साथ साइन किया जॉइंट डिक्लेरेशन, वो है देश जर्मनी। फिर है लिबरेशन पॉलिटिशियन हु वाज रिसेंटली सोन इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज मून जी इन, तो साउथ कोरिया के जो रिसेंट प्रेसिडेंट बने वो है मून जी इन और वो लिबरल है। लिबरल का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है दोस्तों, तो प्लीज इस पर मत जाइएगा, हालांकि अपने हिसाब से सोचिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं लिबरल के ऊपर। अगला है द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन मेटल माइनिंग इज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन मेटल माइनिंग, मेटल माइनिंग को कौन से सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने बैन किया है, और वो है एल सल्वाडोर। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वैक्सीन वर्क। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वीक होता है कि मतलब इम्यूनाइज कि आपको कोई बीमारी उसके पहले आपको इम्यूनिटी दे दिया जाए, तो उसका जो थीम रखा गया था वो क्या था, उसका थीम था वैक्सीन वर्क, मतलब जो वैक्सीन होते हैं वो काम करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये हमें करना चाहिए। ठीक है, अब आएंगे दोस्तों हम लोग विच टू टाइम प्रेसिडेंट ऑफ हायती ऑल्सो नोन एज सन ऑफ हायती हैड डाइड रिसेंटली, कौन से दो टाइम प्रेसिडेंट ऑफ हायती हायती के जो कि जाने जाते हैं सन ऑफ हायती के नाम से, कौन अभी डेथ किए थे रिसेंटली मरे हैं, उनका नाम है रेने प्रेबल। ठीक है, फिर अगला है प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प ऑन 100 ईयर्स ऑफ विच मोथ रिवील द कंप्लीट हारमोनी बेसिक वननेस एंड कॉमन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रू रिलीजियंस। ठीक है, योगदा सत्संग मत, मतलब नरेंद्र मोदी ने एक निकाला है 100 ईयर का ऐसा प्लान टाइप का जो कि हर रिलीजन को दिखाता है कि जो हर रिलीजन का जो फाउंडेशन है वो कॉमन है। ठीक है, कोई भी रिलीजन में ऐसा नहीं है कि आप मारघाट करिए, वो तो लोगों की वैसे बना दी गई है, बट ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा यही बताने की कोशिश की कि हर रिलीजन का कॉमन फाउंडेशन है पीस और हारमोनी, हर किसी को हर कोई खुश रहे और जो उनका बेसिक जो चीज़ है वो सबका एक रहे, ऐसा ना हो किसी के लिए बेसिक कुछ और हो किसी के लिए कुछ बेसिक और हो, मतलब मान लीजिए बहुत अमीर है तो उसके लिए बेसिक होगा एक बड़ा घर, तो बहुत गरीब है तो उसके लिए बेसिक क्या होगा, एक कुछ छोटा सा घर जिसमें कोई भी इम्यूनिटी का बेसिक इम्यूनिटी पूरे नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, यार डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम करंट अफेयर्स पर ध्यान देते। अगला है द पोजिशन ऑफ इंडिया इन 2016
GRID of 13 countries by A.T. Kearney in June 2016 is second position थी इंडिया के 30 कंट्री जो GRID से निकलते हैं ठीक है 30 कंट्री में से तो इंडिया का पोजीशन सेकंड था फिर उसके बाद है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन द ग्रुप ऑफ नेशंस हु डिसाइडेड दैट ऑल मेंबर्स शुड इंफोर्स बजट डिसिप्लिन वाज यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन डिसाइड किया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ नेशन है वो डिसाइडेड कि ऑल मेंबर्स शुड इंफोर्स बजट डिसिप्लिन मतलब जितने मेंबर्स है उन सबको डिसिप्लिन का बजट डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा ये बहुत जरूरी है और ये यूरोपियन यूनियन ने किया है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है यूरोप के लिए और यूरोप इसी कारण से बाकी सी जगह से आगे जा रहा है धीरे धीरे करके फिर इट इज विथ कंट्री यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOE फॉर ये मेमोरेंडम होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एंड इनोवेशन मतलब इन जो हमारी कंट्री है वो कौन से कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है अपने SME को बढ़ाने के लिए मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है इनोवेशन को बढ़ाने के लिए UAE के साथ यूनाइटेड अरब इमीरेट्स के साथ ठीक है दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ तो इकोनॉमिक्स में पहला है इंडिया है जंप 12 प्लेसेस टू 40th रैंक ग्लोबली ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपिटिटिव लिस्ट और इंडिया जो है वो 12 प्लेसेस ऊपर चल गया है लोगों के टूरिज्म के लिए और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हिमाचल को उसके बाद है विच इंडियन सिटी वॉज रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड मोस्ट क्राउडेड सिटीज लिस्ट रिलीज बाय द इकोनॉमिक फोरम मतलब इंडिया कौन सा सिटी सेकेंड रैंक हुआ था सबसे क्राउडेड सिटीज में इकोनॉमिक फोरम के था वो मुंबई था ठीक है उसके बाद विच इंडियन बैंक हैज ओन द 2017 गोल्डन पिकअप इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड यस बैंक को इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों GPIPS का गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड ठीक है याद रखिएगा बहुत जरूरी है फिर कैशबैक पोर्टल cashcrow.com टाइड अप विद टू लॉन्च द कार्ड लिंक्ड ऑफर्स विद तो कैशबैक पोर्टल है cashcrow.com तो किसके साथ कार्ड लिंक ऑफर्स के लिए लॉन्च की थी अपनी यस बैंक के साथ फिर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज अ सेट ऑफ रेगुलेशन रिगार्डिंग मर्जर एंड एक्विजिशन The proposed regulation will be brought under the FEMA rules of 1999. ठीक है दोस्तों उसके बाद है GMR led Hyderabad International Airport Limited has secured first position in the world in the prestigious Airport Council in the International Service in which category airport? बोला गया कि GMR led Hyderabad International Airport है has secured the first position in the world इन द प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट काउंसिल एयरपोर्ट को नंबर वन हैदराबाद के एयरपोर्ट को नंबर वन एयरपोर्ट बता दिया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के द्वारा ठीक है पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए वहाँ के मेंटेनेंस जो लोग उनके लिए उसके बाद है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर इन द RBI BP कनुंगो ठीक है फिर विच सर Cellular company agreed to merge with Indian unit of UK headquartered Vodafone PLC making it a 23 billion giant Idea Vodafone se merge ki thi humne pehle bhi sikha hai but ek important hai to humne fir se banaya aapke liye please janiyega uske baad hai PM Narendra Modi inaugurated India's first international exchange India Inc at IFC at Gandhinagar Gujarat theek hai fir hai dosto प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च आधार कार्ड बेस्ड मोबाइल ऐप नेम्ड भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम तो याद रखिएगा भीम का फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाएगा तो प्लीज़ भीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा हमेशा के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी अगला है दोस्तों द कमिटी टू रिव्यू द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट वॉज हेडेड बाई रतन पी वटल ठीक है दोस्तों ये याद रखिएगा अब हम बढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ तो पहला है थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO इज नाग ने अपना मिसाइल फायर किया था नाग जो कि सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था और ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी मिसाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिक्योरिटी को लेकर और बहुत सारा कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगा बाहर से उसके लिए स्पेस से
Japan launched a new satellite in Tangesima to track land and maritime movements in North Korea. ठीक है, मतलब क्या हो गया, जापान ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है टंगेस्टन टू ट्रैक लैंड एंड मैरिटाइम मूवमेंट इन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का मूवमेंट जानने के लिए. फिर विच इंडियन नेवी सीप इज करेंटली अंडरटेकिंग हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ वेलिग्मा बे अलॉन्ग विद श्रीलंकन नेवी. INS दर्शक ये वेलिग्मा बे का हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं श्रीलंकन नेवी के साथ. फिर है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सोलर calculator app that can calculate the benefits of installing solar panels in different regions of country. ठीक है, जो मतलब ऐसे एक app launch किया गया solar calculator जो कि अगर solar panel बिट रहे हैं किसी region में तो कितना benefit हो रहा है उसको connect करने के लिए, और ये किया है हमारे ISRO ने. फिर Tel Manufacturing Solution has unveiled India first conceptualized designed and manufactured articulated industrial robot कल्ड ब्रावो. ठीक है, ये पहला रोबोट बना है इंडिया का जो टाल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने बनाया है. वो कॉन्सेप्चुलाइज भी है, डिजाइन भी है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल रोबोट है दोस्तों. ठीक है, तो ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है. ब्रावो है पहला रोबोट जैसा बना है, तो इसके पहले कुछ रोबोट को लेकर इंडिया में कुछ हुआ नहीं है. तो ब्रावो याद रखिए, आपका रोबोट का जितना क्वेश्चन आएगा इसको मार्क करिएगा. अगला है दोस्तों, द सेकेंड ऑफ द स्कॉर्पन क्लास सबमरीन दैट लॉन्च एट द MDL in Mumbai on January 12, 2017 is INS Khanderi. The second of the Scorpion class submarine that launched at MDL in Mumbai. Second of Scorpion class INS Khanderi. Cool. Which mobile network operator announced a collaboration with networking giant Cisco to expand Jio's existing multi-terabyte capacity? Reliance Jio. सिस्को के साथ उन्हें अपना कोलेब्रेशन वो किया है, अनाउंस किया है ताकि वो और ज़्यादा बढ़ा पाए रिलायंस जियो को. ठीक है दोस्तों, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड गाइडेड पिनाका रॉकेट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज लॉन्च पैड एट चंदीपुर उड़ीसा. ठीक है, फिर नासा ऑन नवंबर 19, 2016 लॉन्च विच वेदर सेटेलाइट गोज आर. ठीक है दोस्तों, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज. बहुत ज़्यादा नहीं है बट एटलीस्ट आप इतना रीड कर लीजिए, एक बार, चार बार, पांच बार, छह बार, दस बार, कुछ करना नहीं है. फ़ोन ऐसे सामने रख दीजिए अपना और ऐसे स्क्रीन चलने दीजिए. एक बार याद नहीं होता खाना खा रहे उसको चला दीजिए, आप देख लीजिएगा कुछ और हो रहा है देखते रहिए, कुछ और कर रहे देखते रहिए, तो पूरा माइंड में बैठ जाएगा ये चीज़ें, कोई परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आती हो तो बेटर है, जो नहीं आती हो आप सीख लोगे, जो आती है वो बेटर फिर से रिवाइज हो जाएगा. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स के ऊपर, उसे हम पढ़ लेते हैं. ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक वेल्ड द लोगो एंड मास्कट ऑफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इज ओली द टर्टल. ठीक है, एशियन चैंपियनशिप का जो मास्कट है वो है ओली द टर्टल. चेयरमैन ऑफ कमेटी आईसीसी क्रिकेट कमेटी उसका चेयरमैन कौन, अनिल कुंबले. फिर विनर ऑफ मोनो मोंटे कार्लो मास्टर्स मेंस डबल टाइटल है रोहन बोपन्ना एंड पाब्लो क्यूबास. ठीक है, फिर अंकुर मित्तल क्लिंच अ डबल ट्रैप गोल्ड मेडल इन द फाइनल ऑफ द शॉटगन वर्ल्ड कप. द विनर ऑफ 2016-17 यूके यूरोपा लीग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. हु इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, मृदुल भदुरिया. द मैन कोर हु ऑन द गोल्ड एट 2017 वर्ल्ड मास्टर गेम्स एसोसिएटेड विद स्प्रिंट में मैन कोर ने जीता था. फिर दोस्तों, हु वेयर अवॉर्डेड एज द बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्डेड फॉर 2016 द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एट द गाला FIH स्टार अवार्ड सेरेमनी इन चंडीगढ़. जॉन डोमन एंड नॉमी वेन एस. ठीक है, इन लोगों को मिला था बेस्ट अवार्ड. उसके बाद है दोस्तों, हु हैज बीन रोब्ड एज एम्बेसडर 21-day वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017. किसको बनाया गया था एम्बेसडर 21-day वुमेन्स क्रिकेट टीम, सचिन तेंदुलकर को. तो इसका प्लेयर हु अचीव्ड हाईएस्ट अनबीटन स्कोर बाय एन ओपनिंग बैट्समैन इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 359 रन समित गोहिल को. समित गोहिल ने 359 रन बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जो कि रिकॉर्ड है. उसके बाद इंडियन मेन्स हॉकी टीम कैप्टन हो बिकेम अ मेंबर ऑफ FIH एथलीट्स कमेटी इज
पीआर श्रीजेश, ठीक है, फिर द इंडियन फुटबॉलर हु रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर 2016 एआईएफएफ वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इज सस्मिता मलिक। दोस्तों ये रहा आपके लिए सारे करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, हमें समझ में आता है कि कितना अच्छा काम कर रहे कितना नहीं, तो अपने लेवल को और ऊपर करना चाहेंगे। कमेंट करिए इस वीडियो के ऊपर कैसा लगा आपको, अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं, हम लेके आएंगे। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि और ऐसे वीडियो आप देख पाएँ। और इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हैं जीकेएस के, जो कि आपको अपने कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, 2017 सीडीएस के लिए भी, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम है, सीडीएस एसएससीजीएल 2 होगा, टायर 2 होगा, उसके रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, सारे एग्ज़ाम अगले साल के एसएससीजीएल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा कितने लिंक्स दिए हुए हैं, और शेयर हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमें रीच आउट कर पाएँ और हम उन तक ये वीडियोज़ पहुँचा पाएँ, ताकि उनको भी एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, धन्यवाद, गुड बाय फ्रेंड्स।